गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं फिर से विकास कुमार सिंह आप लोग के बीच आ गया हूँ एलसीएम एंड एससीएफ के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। और जैसा कि बोले थे, एलसीएम एंड एससीएफ अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझें, है ना। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हो ना तो उसको बना लोगे बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं चलता है, इसमें क्वेश्चन का समझ होना चाहिए तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। तो देखिए, दो क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे दिख रहा है, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम दोनों क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। तो क्वेश्चन एक कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए। बीच डिवाइड्स, जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड करता है, बीच डिवाइड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डिवाइड करता है, विच डिवाइड 67, 80 एंड 93, लीव्स द सेम रिमाइंडर इन टू ईच केस। कहता है ना कि वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालो जिससे हम 67 को भी डिवाइड करें और उसके बाद 80 को भी डिवाइड करें और उसके बाद 93 को भी डिवाइड करें। तो सब प्रत्येक केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? दो बचना चाहिए, प्रत्येक केस में दो बचना चाहिए। वह नंबर का क्या वैल्यू होगा जो इन तीनों को डिवाइड करता है? इन तीनों से डिवाइड होता नहीं, डिवाइड होगा तो एलसीएम हो जाएगा। इन तीनों को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर दो बच जाता है, यानी इन तीनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दो बचता है। यानी अगर तीनों नंबर को दो दो कम कर दें तो अब उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कटेगा भाई। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो सीखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए सॉल्यूशन देते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला नंबर 67 है, दूसरा नंबर 80 है और तीसरा नंबर 93 है। तो इसमें डिवाइड करते तो रिमाइंडर दो बचता है, तो अगर नंबर में दो कम कर लेंगे तो बच गया 65, यानी अब जो है उससे कटने वाला आ जाएगा। इसमें भी दो कम कर दिए तो 78, अब ये भी कटने वाला आ जाएगा, इसमें भी दो कम कर दिए 91, ये कटने वाला। यानी कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो डिवाइड करने वाला है उससे 65, 78 और 91 ये तीनों कटने वाला आएगा। तो इन तीनों को काटने वाला कौन होगा, इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला कौन होगा, इन इसका HCF। ये तीनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन होगा भैया, इसका HCF होगा। तो चलिए निकाल देते HCF। तो HCF में पहले दो छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 65 से डिवाइड करेंगे 78 को, तो कितने बार में लगेगा, वन टाइम्स में 65, बच जाएगा 31। अब ये 13 से डिवाइड करेंगे 65 को तो कितने टाइम्स में लगेगा जी, 5 टाइम्स में लगेगा 65। अब ये कट गया तो अब बच गया 13, तो 13 क्या बच गया, HCF 65 और 78 का। लेकिन जो दो नंबर का HCF हुआ उसी से तीसरा को भी डिवाइड करते हैं, तो 13 से डिवाइड करते हैं 91 को, तो कितना होता है, 7 टाइम्स में लग जाएगा 91, कट गया। यानी अब निकल गया HCF ऑफ किसका किसका, 65, 65, 78 एंड 91। इन तीनों का HCF कितना आ गया, 13, जो सबसे अंतिम में डिवाइड करने वाला होता है वही HCF होता है, तो HCF 13 हो गया। तो 13 ही वह नंबर है जो 67, 80 और 93 को जब डिवाइड करेगा ना भैया तो दो दो रिमाइंडर बचेगा, दो दो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर 13, यानी वही बड़ा से बड़ा नंबर है जो 13 है, यानी इन तीनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर दो दो बचेगा। फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, विच डिवाइड्स 460, 640 एंड 1180, लीविंग द रिमाइंडर 10 इन ईच केस। कहता वह बड़ा से बड़ा नंबर क्या है जिसको 640 को भी डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद 460 को भी डिवाइड करेगा और उसके बाद जो है 1180 को भी डिवाइड करेगा ना, तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो वो डिवाइड करने वाला नंबर बताइए जो प्रत्येक केस में रिमाइंडर क्या दे रहा है, 10, यानी उस नंबर से ये तीनों को डिवाइड करेंगे तो 10 10 10 रिमाइंडर बचेगा ना। तो अगर ये तीनों नंबर को 10 10 10 कम कर देते हैं, पहला नंबर को भी 10 कम करते हैं, दूसरा नंबर को भी 10 कम करते हैं, तीसरा नंबर को भी 10 कम करते हैं, तो अगर 10 10 10 तीनों को कम कर देंगे तो उस नंबर से क्या आ जाएगा, विजुअल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है पहला नंबर है 460, तो उसको 10 कम करेंगे तो 450 बचेगा। दूसरा नंबर है 640, इसको 10 कम करेंगे तो 630 बचेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट नंबर है इतना, तो इसको 10 कम करेंगे तो बचेगा 1170। अब ये जो नंबर आया है, यानी सब में रिमाइंडर को घटाने के बाद,
प्रत्येक नंबर में जो कॉमन रिमाइंडर है उसको घटाने के बाद जो बचा है वो नंबर्स जो है उससे डिविजुअल आएगा, क्योंकि 10 रिमाइंडर बच रहा था। पहले नंबर था 460, 640, 1180, तो इन सभी को डिवाइड कर रहा था तो 10 रिमाइंडर बच रहा था। तो ऐसा करते कि रिमाइंडर बच रहा है तो नंबर को 10 कम कर देंगे, यानी अब उसको डिवाइड करेगा तो पूरा कटने वाला आएगा। तो इन तीनों को कौन ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा तो पूरा कट जाएगा, कौन ऐसा बड़ा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे तो पूरा कट जाए, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा। इन तीनों को डिवाइड करने वाला इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा भैया। तो अब यहाँ पर HCF निकालिए 450, 630 और 1170 का। तो इसमें पहले छोटा दो नंबर कौन है, 450, और उससे डिवाइड करेंगे 630 को, तो एक बार में लगेगा 450, बच जाएगा 0। ये कितना बच गया जी, 13 में से 5 गया, तो ये बच गया 8 और ये बच जाएगा 1। अब 180 से डिवाइड करना पड़ेगा 450 को, तो कितने टाइम्स में लगेगा जी, तो कितने टाइम्स में लगेगा, तो दो टाइम्स में लगेगा 360, बच गया 90 और ये कट गया। अब 90 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो टू बार में 180 हो गया, तो ये कट गया है ना। तो अगर 450 और 630 का HCF पूछता तो सबसे अंतिम डिवाइजर कितना है, 90, तो 90 हो जाता। लेकिन नहीं, 1170 का भी निकालना है, 1170 का, तो ये जो अंतिम डिवाइजर है उससे बड़ा को भी डिवाइड करते तब वो तीनों का HCF कहलाएगा। तो यानी 90 से डिवाइड करेंगे किसमें, 1170 में, तो कितने बार में लगेगा जी, तो हमको लगता है ना कि एक बार में लगाएंगे तो 90 होना चाहिए, तो 270। अब उसके बाद 3 बार में लगाएंगे तो 270, यानी सबसे अंतिम डिवाइजर कितना आया, 90 आया। तो वही हो जाएगा HCF ऑफ किसका किसका, 450, 630, 1170, 450, 630 एंड 1170, इन तीनों का HCF कौन आ गया, तो इन तीनों का HCF आ गया कितना जी, 90 आ गया। यानी 90 ही वह नंबर है जो इन तीनों को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो अगर इन तीनों को पूरा डिवाइड कर रहा है तो 460, 640 और 1180 को डिवाइड करेगा तो 10 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि HCF कब निकाले, 10 कम करके निकाले, यानी उन सभी नंबर्स में डिवाइड करेगा तो 10 बच जाएगा, क्या चीज़, रिमाइंडर। और क्वेश्चन वही बोल रहा था कि वह बड़ा नंबर निकालिए जो इन सभी नंबर्स को 460, 640, 1180, इन सभी नंबर्स को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 10 बचना चाहिए, तो वो नंबर होगा 90 से डिवाइड करिए किसी भी नंबर में तो रिमाइंडर 10 बचेगा, इन तीनों में से किसी भी नंबर को डिवाइड करिएगा तो 10 आएगा। तो ऐसे में कि इतना रिमाइंडर बचना चाहिए, वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो इन सभी को डिवाइड करे तो इतना रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले प्रत्येक नंबर में आप रिमाइंडर को घटा लीजिए और उसके बाद जो बचेगा उसका HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, HCF, वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पर यही हो गया आपका, जो HCF आया वही रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर क्या आ गया, 90। वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, 90 है। तो देखिए, आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन और लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, तो क्वेश्चन देखिए, अभी तक जैसा बना रहे थे क्वेश्चन HCF पे आधारित, वैसा ही HCF पे ही आधारित क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन को आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। देखिए क्या है भाई, तो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 175 एंड 251। कहता है वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालो जो डिवाइड करता है 175 को और 251 को, तो लिव्स द रिमाइंडर 3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। यानी रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या, पहले का पहला, दूसरा का दूसरा। यानी कहता है वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो एक बार 175 को डिवाइड करे ना तो रिमाइंडर 2 बचे, और 251 को डिवाइड करे ना तो रिमाइंडर 6 बचे, पहला को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचे, और दूसरा को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 बचे। अभी तक जो बना रहे थे उसमें सेम रिमाइंडर बचता था, तो सेम चीज घटाते थे, लेकिन इसमें अलग कर दिया कि पहला नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बचा, दूसरा नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 बचा। तो बताइए क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट है तो HCF ही निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पहले नंबर्स का क्या निकालेंगे, नंबर्स को पहले जितना रिमाइंडर बच रहा उतना कम कर लेंगे, तो उतना अगर कम कर लेंगे तो उसके बाद जो बचेगा वो एग्जैक्टली क्या बचेगा, डिविजुअल बचेगा। तो चलिए यहां पर पहला इसको सॉल्यूशन करते भैया,
तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहला नंबर 175 है। अब इसको जब उस नंबर से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो क्यों ना इसमें 3 कम कर दे, तो 172। अब उस नंबर से पूरा कटने वाला आ गया। अब दूसरा नंबर 251 है, इसमें रिमाइंडर 6 बचता है, तो 6 कम कर दीजिए तो ये 200 कितना बच गया, 45। अब जो है 172 और 245 जो आया, ये दोनों नंबर्स जो है उस ग्रेटेस्ट से कटने वाला है, तो कौन बड़ा से बड़ा नंबर जो है ये दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, कौन बड़ा से बड़ा नंबर जो ये दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो इन दोनों का कौन होगा, वो HCF होगा। इन दोनों का क्या होगा, HCF जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो चलिए भाई निकाल देते हैं HCF, तो 172 को 245 में डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है 1 टाइम्स में लगेगा 172, ये बच जाएगा 3, ये 14 में से 7 गया 7, और ये बच जाएगा कितना, ये कट गया। अब 73 से डिवाइड करेंगे तो 73 से डिवाइड करेंगे 172 में तो कितने टाइम्स में लगेगा जी, तो कितने टाइम्स में लगेगा, तो यहाँ पर जो देखिए डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लगेगा, तो 100 कितना आ जाएगा, 46 आएगा। तो ये 12 में से गया 6, तो ये बच गया 6 और ये बच गया 2 और ये क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद 26 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 73 को तो कितना आएगा जी, तो 26 से डिवाइड करेंगे 73 को तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 बार में 52, ये बच जाएगा 21। यहाँ पर हमको लग रहा है जैसा कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो HCF 1 आएगा, जो बिल्कुल गलत बात है। HCF 1 आना नहीं चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, कम से कम 3-6 यानी रिमाइंडर से तो बड़ा आना चाहिए ना डिवाइड करने वाला, तो यानी ये जो है कुछ इसमें जो है गलती है, इसमें कुछ ना कुछ जो है गलती है जिसके कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे हम देखना चाहेंगे कि क्या गलती है, क्या सुधार हो सकता है, तो वो सुधार हम देखिए यहाँ पर ये आ रहा है आपको किससे, तो ये आ रहा है आपको 49 से कटने वाला, तो ये भी 49 से कटने वाला होना चाहिए, तो 49 × 4 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और ये आ गया 4×4 = 16, और उसके बाद 9×4 = 36 का 6, बाकी हाथ में 3×4×4 = 16, 196, तो 196 ये बचना चाहिए, तो अगर 196 बचता है तो ये चलेगा, है ना 196, तो 196 ये कब बचेगा, जब नंबर को 199 रखेंगे तब, यानी यहाँ पर एक नंबर 199 होगा, 199 और दूसरा नंबर 251 रहेगा, तो पहला मगर रिमाइंडर 3 बच रहा है और दूसरा में रिमाइंडर 6 बच रहा है, तब बनाइए तो सही होगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है भाई, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है जिसके कारण ये परेशानी आ रहा है, थोड़ा सा होता है नंबरिकली जो है मिसप्रिंट होता है और उसका करेक्शन करना बाकी रह गया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, कहता वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो 199 और 251 को डिवाइड करे, तो पहला में रिमाइंडर 3 बचे और दूसरा को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 बचे, तो पहला में 3 घटा लिए तो बच गया 196 और दूसरा में 6 घटा लिए तो बच गया 245। तो यानी इतना ही ये दोनों का जो HCF आएगा ना, इन दोनों को जो डिवाइड करने वाला आएगा बड़ा नंबर, वही क्या होगा, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन होगा, इसका HCF होगा, कौन होगा भाई, HCF। तो 196 को 245 में डिवाइड कर दीजिए तो कितने बार में लगेगा जी, तो हमको लगता है कि 1 टाइम्स में लगेगा जी, तो बचेगा कितना जी, 49 बचेगा जी, है ना 49, ये बच गया 49 से डिवाइड करेंगे 176 को, तो आपको कितने टाइम्स में लगेगा जी, तो हमको लगता है 4 टाइम्स में लग जाएगा जी, सॉरी डिवाइड करेंगे 196 में तो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में लग जाएगा जी, और ये पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। तो HCF ऑफ किसका किसका, 196 एंड 245 का HCF आया 49, तो जो HCF आया वही रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा, यानी 49 ही जो है 199 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, पहला में जैसा कि बोल रहा था रिमाइंडर 3, और 251 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6, और क्वेश्चन को तो वही नंबर चाहिए कि कौन ऐसा नंबर है जो पहले को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचे, दूसरे को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6, तो वो नंबर कौन आया 49। जब भी ऐसा आवे ना कि कौन डिवाइड करके इतना इतना रिमाइंडर बचे, तो पहले रिमाइंडर घटा करके जो नंबर आएगा उसका HCF निकाल देंगे और वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी वही डिवाइड करने वाला नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको क्या चीज कि रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, क्या भाई, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट
रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर कितना हो जाएगा 49 जो HCF है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन इधर भी है, इसमें दो नंबर के साथ किया जा रहा है, इसमें तीन नंबर है। कहता है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स 156, 371 एंड 513 लीव्स द रिमाइंडर 6, 21 और 13। कहता वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है ना, तो पहला को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 6, दूसरा नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 21 और तीसरा नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 13 आता है। यानी इन तीनों को डिवाइड करता है लेकिन रिमाइंडर अलग अलग बचता है। तो भैया पहला नंबर कितना है, देखिए इसके सोल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला नंबर है 156, दूसरा नंबर है 371 और तीसरा नंबर है 513। तो पहला कहता वह बड़ा से बड़ा नंबर जो डिवाइड करने वाला है, पहला को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 6 बचता है। अच्छा 6 रिमाइंडर बचेगा, हम 6 इसको कम कर देंगे, अब ये 150 अब जो है पक्का पक्का कट जाएगा उस नंबर से। भैया जितना रिमाइंडर बच रहा था उसको उतना कम कर देंगे तो नंबर ऑटोमेटिक कटने वाला आ जाएगा। दूसरा को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 21 बच रहा है, इसको भी 21 कम कर देंगे तो अब ये भी उस नंबर से कटने वाला आ जाएगा। तीसरा को डिवाइड करते तो रिमाइंडर 13, तो तीसरा में 13 घटा देंगे तो ये बचेगा 500, तब ये भी नंबर उससे कटने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, ये तीनों को डिवाइड करे और पूरा पूरा काट दे, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला पूरा पूरा काट दे, यानी इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला बड़ा नंबर कौन होगा, इन तीनों का HCF होगा। तो क्यों ना HCF निकालते हैं, तो शुरू दो छोटा नंबर से निकलता है, पहले 150 से 350 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में लगेगा जी, 2 टाइम्स में लगेगा 300, तो ये बचेगा 50 है ना, और ये कट गया। 50 से डिवाइड करेंगे 150 को तो कितने टाइम्स में लगेगा, 3 टाइम्स में 150, तो ये कट गया। तो अगर 150 और 350 का HCF पूछता तो 50 आ जाता जो अंतिम में डिवाइजर होता है, लेकिन एक नंबर और है ना उसका भी, तो अब चलिए उसमें भी डिवाइड करते हैं इससे। तो 50 से डिवाइड करते हैं तो 500 में, तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में 50, ये कट गया, ऊपर से 0 उतरा तो नहीं लगेगा, तो यानी कितना आ गया, 10 आ गया। तो यानी HCF ऑफ किसका किसका, 150, 350 एंड 500, इन तीनों का HCF कितना आया, 50। कहने का 50 ही वह नंबर है जो 150, 350 और 500 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। वही बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो 156, 371, 513 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6, 21 और 13 बचेगा, तो वही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर 50 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे, अगर डिफरेंट डिवाइड करने वाला तो HCF, अब जितना बच रहा है क्या चीज़, जितना रिमाइंडर बच रहा है नंबर को पहले उतना कम करके उसका HCF निकाल दोगे तो वही डिवाइड करने वाला नंबर आ जाएगा। सेम रिमाइंडर बचता है तो सभी नंबर में सेम चीज़ घटाते हैं, अब अलग अलग रिमाइंडर बचेगा तो जिसमें जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना उतना घटा देंगे और फिर उन नंबर्स का HCF निकाल देंगे, वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी वही बड़ा से बड़ा नंबर डिवाइड करने वाला हो जाएगा। तो चलिए आज इतने ही क्लास को रखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और प्लीज़ अगर अभी तक भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके मेरे चैनल का सारा अपडेट्स मिलते रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।